जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता चतुर्थ खंड का 14वां अध्याय, शिव गणों का गणेश से विवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिव गण अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा पाकर द्वार पर पहुँचे और द्वारपाल बने श्री गणेश को वहाँ से हट जाने के लिए कहा, परंतु जब गणेश ने हटने से साफ इनकार कर दिया और शिवगणों को डांटा फटकारा, तो वे भी गणेश से लड़ने लगे और बोले, ओ मूर्ख बालक, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अभी और इसी वक्त महल के द्वार को छोड़कर यहाँ से चला जा, अन्यथा दंड पाने के लिए तैयार हो जा। यह देखकर गणेश को क्रोध आ गया और वे कठोरता पूर्वक शिव गणों से बोले कि तुम इसी समय यहाँ से दूर चले जाओ, वरना मेरे क्रोध को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश की बातें सुनकर शिवगण हंसने लगे। फिर द्वारपाल श्री गणेश को डांटते हुए बोले, मूर्ख, हम भगवान शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा से ही तुम्हें यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। अब तक तुम्हें बालक समझकर हम छोड़ रहे थे, परंतु तुम तो बहुत ही हठी बालक हो, जो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अभी भी कहते हैं कि शीघ्र ही यहाँ से हट जाओ, अन्यथा मार दिए जाओगे। शिव गणों के इन वाक्यों को सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिव गणों को डांटा और धमका कर वहाँ से भगा दिया। उनके इस प्रकार डांटने से शिवगण भयभीत होकर वहाँ से भागकर भगवान शिव के पास वापस आ गए। वहाँ जाकर उन शिवगणों ने अपने स्वामी भगवान शिव को जाकर सारी बातें बता दी। यह सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर श्री गणेश को द्वार से हटाने का आदेश अपने गणों को दिया। शिवगण पुनः द्वार पर पहुँचे और गणेश को हटने के लिए कहने लगे, परंतु गणेश ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। गणेश निर्भय होकर उन गणों से बोले कि मैं पार्वती का पुत्र हूं और तुम भगवान शिव के गण हो। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम शिवजी की आज्ञा मानकर मुझे द्वार से हटाना चाहते हो, परंतु मैं अपनी माता की आज्ञा मानते हुए उनकी बिना आज्ञा प्राप्त किए किसी को भी इस द्वार से अंदर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। अतः मुझसे बार बार द्वार से हटने के लिए ना कहो और जाकर अपने आराध्य स्वामी को इसकी सूचना दे दो। तब शिवगण भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब बातों से अवगत करा दिया। भगवान शिव तो महान लीलाधारी हैं, उनकी बातों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर उन्होंने अपने गणों से कहा कि वह छोटा सा बालक अकेला तुम्हें डरा रहा है और तुम इतनी अधिक संख्या में होकर भी उससे डर रहे हो। जाओ, जाकर उससे युद्ध करो और उसे बंदी बनाकर द्वार के सामने से हटाकर ही मेरे सामने आना। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री रुद्र संहिता चतुर्थ खंड का 14वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।